मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी द चैप्टर फन इन फैमिली हमारे फैमिली में क्या क्या फन क्या क्या मज़े होते हैं वी मेक फन इन फैमिली इन डिफरेंट वेज वी सेलिब्रेट बर्थडेज़ वेडिंग्स एंड मैरिज एनिवर्सरीज हम लोग फ़न बहुत प्रकार से करते जैसे हम लोग अपने बर्थडे मनाते हैं वेडिंग्स यानी शादी होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं मैरिज एनिवर्सरीज सेलिब्रेट करते हैं शादी की सालगिरह को सेलिब्रेट uh, करते हैं बर्थडे टुडे इज़ द बर्थडे ऑफ अमन ही वॉज़ बॉर्न ऑन सिक्सटीन अक्टूबर आज ब, किसका बर्थडे है अमन का बर्थडे वो कब उसका जन्म कब हुआ था सिक्सटीन अक्टूबर को ही invites his हिज फ्रेंड्स ऑन हिज बर्थडे पार्टी अपने बर्थडे पार्टी में अपने फ्रेंड्स को बुलाया है ही blows द कैंडल्स एंड कट्स द केक वो कैंडल को फूका और केक को काटा ऑल द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव clap से say हैप्पी बर्थडे टू यू अमन सभी लोग ताली बजा के क्या बोले हैप्पी बर्थडे टू अमन दे गिव गिफ्ट्स टू दिम और उसको गिफ्ट भी दिए दे ऑल इट केक टॉफ़ीज़ चॉकलेट एंड अदर थिंग्स वो लोग क्या क्या खाएँ केक खाएँ टॉफीज़ खाएं चॉकलेट खाएँ और बहुत सारी चीज़ें खाएँ देग एंड डांस लोग गाना भी गाए नाचे भी अमन इज़ वेरी हैप्पी ऑन ऑन दिस डे अमन इज़ वेरी हैप्पी ऑन दिस डे अमन बहुत ही खुश था इस दिन वेडिंग इट वॉज द मैरिज ऑफ़ अमन सिस्टर इन द लास्ट मंथ अमन के सिस्टर का मैरिज था लास्ट मंथ में ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव वेर आर इन्वाइटेड टू दैडिंग जितने में फ्रेंड्स और रिलेटिव थे सभी को इन्वाइट सभी को न्यौता दिया गया था वेडिंग के लिए शादी के लिए एवरी वन वोर न्यू क्लोथ्स। सभी लोग नए नए कपड़े पहने हुए थे द ब्राइड ग्रूम्स पार्टी कम फ्राम गाजियाबाद दूल्हे का जो पार्टी था वो कहाँ से आया था गाजियाबाद से ब्राइड ग्रूम सेट ऑन अ चैरियट ड्राइवन बाई टू हॉर्सेस वो एक रथ पे बैठा हुआ था जिसको दो घोड़े खींच रहे थे म्यूजिक बैंड लेड द प्रोसेशन को बारात को एक म्यूजिक का बैंड उसके पीछे पीछे चल रहा था उसके आगे आगे एक म्यूजिक का बैंड चल रहा था दीपल इन द वेडिंग प्रोसेशन डांस टू द बैंड ट्यून और जितने भी लोग थे वेडिंग प्रोसेसन पे उस बैंड के म्यूजिक पे नाच रहे थे द ब्राइड ग्रूम्स एंड द ब्राइड एक्सचेंज गार्लें इन मैरिज पवेलियन ब्राइड ग्रूम और दुल्हा दुल्हन फूलों की माला को एक्सचेंज किए जब वो ऊपर स्टेज पे चढ़े जैसे क्या फोटो में दिख सकते हैं एज यू सी इन दिस पिक एवरी वन क्लैप्ड एंड ब्लेस्ड द ब्राइड ग्रूम एंड द ब्राइड सबको ताली बजाएं और उसको उसके लिए ब्लेसिंग्स की उसके लिए प्रार्थना किए कि इनका जोड़ी अच्छा रहे गिफ्ट्स वे आर गिवेन देन एवरी वन एट डिलीशियस डिट्स गिफ्ट दिया गया और सभी कोई delicious को डिलीशियस डिश को खाए आफ्टर दैट द मैरिज राइट्स वे आर परफॉर्म मैरिज का जो राइट्स था जो नियम था वो ख़त्म जब हुआ द गर्ल वॉज सेंट ऑफ एट द डॉन शाम के समय में गर्ल को आपका सुबह सुबह क्या किया गया डॉन इंड्स मतलब जब सूर्य सूर्य उगता है उस वक्त क्या हुआ कि आपका गर्ल को विदा कर दिया गया एवरी वन हैपी इन द आईज बट वेयर हैप्पी एज वेल सबकी में मासूस थे लेकिन सब खुश भी थे मैरिज एनिवर्सरी काकूज पेरेंट सेलिब्रेट देयर मैरिज एनिवर्सरी ऑन नाइन्टीन जून एवरी ईयर काकू के पेरेंट हर नाइनटीन जून को आपका अपना मैरिज एनिवर्सरी सेलेक्ट सेलिब्रेट करते हैं दे इन्वाइट देयर फ्रेंड्स एंड नेबर्स इन द इवनिंग फॉर अ पार्टी अपने फ्रेंड्स और नेबर्स को इवनिंग में पार्टी के लिए बुलाए थे काकूज पेरेंट्स कट द केक ऑल द फ्रेंड्स काकू एंड सिस्टर पायल क्लैप सभी पेरेंट्स काकू के पेरेंट्स केक काटे और उनके जो फ्रेंड्स थे और काकू के सिस्टर जो कि पायल वो क्लैपिंग कर रही थी एवरी वन कॉन्ग्रेचुलेट्स एंड गिव्स गिफ्ट सभी लोगों से कॉन्ग्रेचुलेट की और गिफ्ट दिए हिज पेरेंट्स थैंक दैम उनको सभी को धन्यवाद बोले करेक्ट आंसर पीपल से ऑन अ बर्थडेपी बर्थडे ब्राइड ग्रूम सीट ऑन चैरियड ड्राइवन बाई हॉर्सेस वॉट डज अमन डू विद द कैंडल्स ऑन हिस बर्थडे वाट डू काकूज पेरेंट्स कट ऑन देर मैरिज एनिवर्सरी केक हु इज़ काकूज सिस्टर पायल देयर शुड बी लव इन द फैमिली प्यार होना चाहिए अमन गेट्स गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे द ब्राइड ग्रूम्स पार्टी वॉज डांसिंग टू द tune। ट्यून बैंड्स के ट्यून पे वो लोग डांस कर रहे थे एवरी वन tears टीयर्स इन द आईज वाइल सेंडिंग ऑफ द ब्राइड जब ब्राइड दुल्हन जब जा रही थी सुबह सुबह तो सभी के आंखों में आंसू थे एवरी वन कॉन्ग्रेचुलेटेड काकूज पेरेंट We celebrate many events in a family. True or false? It is true. Aman cuts the cake on his birthday. True. All guests say happy Diwali to Aman. No, they say happy birthday to Aman. It is false. Kaku's parents celebrate their marriage anniversary. It is true. Why are family celebrations important? Family celebrations are important to make fun in family. What events are celebrated in a family? Birthday, wedding, and marriage anniversary when does aman celebrate his birthday aman celebrates his birthday on 16th october when did the bridegroom's party come from the bridegroom party come from Gajia, Bad. when do kaku's parents celebrate their marriage anniversary kaku's parents celebrate their marriage anniversary on 19th june every year name the celebration shown in the picture first picture is for is of birthday party बर्थडे सेलिब्रेशन सेकंड पिक्चर इज़ फॉर मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन एंड द थर्ड पिक्चर इज़ फॉर वेडिंग सेलिब्रेशन नाउ फन टू डू वट यू हैव टू डू हेर आर सम पिक्चर सर्कल ऑनली दोज थिंग्स यू वुड लाइक टू हैव फॉर योर बर्थडे पार्टी आपको जो आपके बर्थडे में चाहिए ठीक है उन्हीं चीज़ों को सर्कल करना है जैसे आपको केक चाहिए तो उसको सर्कल करिए वॉच चाहिए सर्कल करिए बलून चाहिए तो सर्कल करिए आपको जो, जो जो चीज़ें चाहिए बुक्स चाहिए तो सर्कल करिए आपको जो भी चीज़ें चाहिए आपके बर्थडे में उसको सर्कल करना है राइट अबाउट योर सेल्फ अपने बारे में लिखना है क्या लिखना है वेन डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे आपका बर्थडे कब होता है कब आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो उस डेट को लिखना है यू योर क्लोज यू इन्वाइट टू योर बर्थडे जब आपका बर्थडे होगा तो आप किन्हें किन्हीं अपने नज़दीकी किन्हीं कि बुलाओगे फ्रेंड्स को बुलाओगे रिलेटिव्स को बुलाओगे वेन डू योर पेरेंट्स सेलिब्रेट देयर मैरिज एनिवर्सरी अपनी शादी की सालगिरह आपके पेरेंट्स कब सेलिब्रेट करते हैं कौन से डे को सेलिब्रेट करते हैं हाउ लॉन्ग हैव योर पेरेंट्स बिन मैरिड आपके पेरेंट्स के शादी के कितने साल हो चुके हैं ये आपको अपने से खुद से भरना है क्योंकि ये आपका पर्सनल आपका पर्सनल है आपका बर्थडे मुझे तो नहीं पता आपके फैमिली के बारे में मुझे नहीं पता तो इसे आप ऐसे आपको खुद से ही भरना है इसे भरिए और मुझे सेंड करिए सेंड इट टू मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड ऑल्सो राइट दिस एक्सरसाइज इन योर एस एस टी कॉपी थैंक यू दैट्स ऑल फॉर टुडे